अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश की बुक देखिए, इंग्लिश रीडर। आज हम लोग इंग्लिश रीडर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस चेक करते हैं एक बार हम, जिससे कि हम लोग हर बार चेक करते हुए आएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने टिक करवाया था आप लोग को पीए फर्स्ट में 5 चैप्टर्स। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करिए, पीए फर्स्ट में अपने 5 को कैंसिल करके कितने चैप्टर्स चेक करेंगे, 4 चैप्टर्स टिक करेंगे। यानी कि हम लोग को पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेसन नंबर 1 जो हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, द रेनबो। लेसन नंबर 2 जो हमने पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था, द ओल्ड वाइफ एंड द गोस्ट। लेसन नंबर 3 हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 में पढ़ा था, अ वाइजर लिटिल गर्ल। आज हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, माई फ्रेंड एंड आई। ये 4 चैप्टर जो है ये हमारा यहाँ पर हम लोग का पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा, हम लोग को पीए फर्स्ट में यानी पीरियोडिक असेसमेंट जो फर्स्ट है उसमें हम लोग को 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर पीए 1 डाल लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 में हमने कवर किया था, ये पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 3। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4 में, लेसन नंबर 4। ठीक है, 5 चैप्टर को कट कर दिए, सिर्फ हमें 4 चैप्टर्स ही कवर करने हैं। लेसन नंबर पार्ट नंबर 1 में हमने लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करे थे। इसी तरह हमें 2 और 3 में भी हमने कंप्लीट करे थे। ठीक है, आज हम लोग पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक करिए, पेज नंबर है हम लोग का पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर हम लोग अपना क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 4, जो हमारा किस में स्टार्ट हो रहा है, किस पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, माई फ्रेंड एंड आई, माई मतलब मेरा या मेरी, फ्रेंड मतलब दोस्त यानी मित्र, एंड मतलब और, आई मतलब मैं, यानी कि मेरा दोस्त और मैं। ठीक है, ये स्टोरी है, हम इसमें पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग क्लू बॉक्स ये देखते हैं, इसको रीड करते हैं एक बार, जो हमें यहाँ कलर में ब्राउन, लाइट ब्राउन ऑरेंज कलर में गिवन है। इससे हमें क्या होगा, स्टोरी का थोड़ा हमें टाइटल पता चल जाएगा, मतलब कि एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि इस पे बेस्ड है। तो देखिए, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप ऑफ टू गर्ल्स, कह रहे ये एक स्टोरी है यानी कि कहानी है, किसके बारे में, अबाउट यानी किसके बारे में, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के बारे में, ऑफ टू गर्ल्स यानी कि दो लड़कियों की दोस्ती के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। फिर कह रहे वी शुड Also try have to have to have sorry we should also try have a true friendship, कह रहे हैं हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास भी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो, यानी कि अच्छी दोस्ती हम लोग के पास भी हो। ठीक है, चलिए हम लोग इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, दो लड़कियों की दोस्ती के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, पेज नंबर 17 पर। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं पहले। विजय लक्ष्मी कॉल्ड आउट द टीचर ऑफ क्लास 6B नोडिंग एट द गर्ल सीटेड इन द मिडिल ऑफ द रूम। प्लीज़ कम हेयर, द गर्ल इन द कैंडी स्ट्रिप्ड यूनिफॉर्म रोज, हर ब्लैक आइज फ्लिकरिंग नर्वसली, हर थिक कर्ली हेयर वॉज पुल टाइटली बैक इन टू अ लॉन्ग हैवी प्लेट, बट विस्प ऑफ हेयर हैड एस्केप्ड एंड फ्रेम्ड हर फेस इन अ हेलो ऑफ टिनी कर्ल्स। ठीक है, तो ये मैंने एक पैरा रीड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, जितने भी इसमें ब्लू कलर से जो हाईलाइट वर्ड है वो वर्ड्स मीनिंग में हमें गिवन है, जिसको हमें बुक से ही लर्न करना है। ऐसा इसको कॉपी में नहीं नोट करना है, लेकिन इसको बुक में से लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट में गिवन है आप लोग को। ठीक, चलिए क्या गिवन है, विजय लक्ष्मी कॉल्ड आउट द टीचर ऑफ क्लास 6B, कह रहे विजय लक्ष्मी को कॉल्ड यानी कि बुलाया गया है, किसने, टीचर ने जो क्लास 6B की हैं। ठीक है, नोडिंग एट द गर्ल सीटेड इन द मिडिल ऑफ द रूम, जो रूम में यानी क्लास के रूम मिडिल में यानी कि बीच में बैठी हुई हैं। प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर, ये किसने कहा है, टीचर ने कहा है, विजय लक्ष्मी की टीचर ने उन्हें बुलाया है, कहा है प्लीज़ कम हेयर, इधर आओ, जो कहाँ पर विजय लक्ष्मी बैठी हैं। विजय लक्ष्मी इसमें कौन है, स्टूडेंट है, यानी कि जो लड़की की बात की जा रही है वो कौन है, इसमें विजय लक्ष्मी है। ठीक है, टीचर नहीं समझिएगा आप लोग, तो विजय लक्ष्मी को एक टीचर ने आवाज़ दी है। तो विजय लक्ष्मी किस क्लास की हैं, 6B, कह रही है कि नोडिंग एट द टीचर सीट, जो कहाँ पर विजय लक्ष्मी बैठी हुई हैं, क्लास में जो मिडिल सीट है वहाँ पर बैठी हैं। प्लीज़ कम हेयर, यानी टीचर ने कहा प्लीज़ कम हेयर, यानी कि इधर आइए। द गर्ल इन द कैंडी स्ट्रिप्ड यूनिफॉर्म रोज, कैंडी स्ट्रिप यानी कि हार, देखिए यहाँ मीनिंग गिवन है, विद लाइट एंड डार्क कलर स्ट्रिप्स लाइक दोज ऑन अ कैंडी, यानी कि उसकी ड्रेस पर स्ट्रिप जो होती है, लाइन जो है वो डार्क और लाइट कलर में प्रेजेंट हैं। तो कह रहे हैं वो इस तरह से यूनिफॉर्म में बैठी हैं, हर ब्लैक आइज फ्लिकरिंग नर्वसली, यानी कि उन फ्लिकरिंग कहते हैं हेयर को, यानी कि मूविंग क्विकली,
ठीक है। यहाँ देखिए मीनिंग सभी मीनिंग्स गिवन है, कह रहे हैं उनकी जो आंखें हैं वो एकदम नर्वसली एकदम घबराई हुई हैं कि उनको टीचर ने आवाज़ दी है। जैसे कि सपोज कोई भी टीचर अगर आप लोगों को आवाज़ देगी, क्लास में बैठे हैं आप लोग, तो आप लोग क्या है नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, कि हमें टीचर ने क्यों आवाज़ दी है। हर थिक कर्ली हेयर वॉज पुल्ड टाइटली बैक इन टू अ लॉन्ग, कह रहे हैं कि उनके जो थिक हैं यानी थिक बाल हैं, उनके कर्ली हेयर हैं, जो कर्ली होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट बाल, ठीक है, एक होते हैं कर्ली, तो उनके कर्ली हेयर है वॉज पुल टाइटली बैक इन टू अ लॉन्ग हैवी प्लेट बट विस्प ऑफ हेयर। विस्प ऑफ हेयर यानी कि जो हल्के बाल होते हैं जो मतलब चोटी में नहीं आते हैं, ठीक है। हेड स्केप्स जो एंड फ्रेम्ड हर फेस इन अ हेलो ऑफ टेनी कल, सो कह रहे हैं उनके जो हेयर हैं वो एक कर्ली यानी कि टेल उनकी बनी हुई है, प्लेट्स जली हुई हैं उनके हेयर्स की। नेक्स्ट कह रहे हैं शी केम अप टू द टीचर्स डेस्क, विस्प ऑफ हेयर यानी कि जो छोटे बाल हैं जो उनके हेयर में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं शी केम अप टू द टीचर्स डेस्क एंड स्टूड फिट गेटिंग विद हर यूनिफॉर्म, कह रहे हैं कि वो टीचर के डेस्क तक आती हैं और अपनी यूनिफॉर्म विद हर यूनिफॉर्म यानी कि अपने यूनिफॉर्म के जो भी उन्होंने पहनी हुई है उसके साथ, ठीक है। यस मैम शी सेड टाइमडली, यानी कि वो एकदम डरती हुई घबराती हुई कहती हैं यस मैम, जी मैम। विजय लक्ष्मी सेड दी टीचर, टीचर ने कहा विजय लक्ष्मी ओपनिंग अ मैगजीन आई रीड योर एसे इन द चिल्ड्रन सेक्शन आई लाइक्ड इट, इट्स अ वेरी गुड, यू सीम टू लाइक राइटिंग, कह रही हैं कि मैंने आपकी ओपनिंग मैगजीन को ओपन किया था, देखा था जो आपने एसे लिखा है अपने फ्रेंड के उसमें अपने सेक्शन में, ठीक है, एसे लिखा है जिस पर अरे द गर्ल नोटेड शायली, वो जो लड़की है वो एकदम थोड़ा सा खुश होती है, शर्माती है, थोड़ा शाही कहते हैं शर्माने को, योर ऐसे क्यों, क्योंकि उसकी टीचर जो हैं वो तारीफ़ कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है योर ऐसे इस टाइटल, कह रहे तुम्हारा जो ऐसे था वो किस पर टाइटल है, क्या टाइटल है उसका, माई फ्रेंड एंड आई, यानी जो माई फ्रेंड एंड आई जो चैप्टर में जो टॉपिक है यानी जो हेडिंग है चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, इसमें ऐसे है जो किसने लिखा है, विजय लक्ष्मी ने अपनी लिखा है, ठीक है, वो तो माई फ्रेंड एंड आई जो है वो क्या है इस चैप्टर में एसे का टाइटल है यानी कि एसे है। तो टीचर कह रही है योर एसे इस टाइटल, कह रही है तुम्हारा जो एसे है उसका टाइटल क्या है, माई फ्रेंड एंड आई, आई थिंक यू शुड रीड इट अलाउड टू द क्लास, कह रही है कि मुझे मैं आई थिंक यू शुड रीड, कह रही है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये एसे अपना जो तुमने लिखा है माई फ्रेंड एंड आई ये तुम्हें अपनी क्लास में इसको अच्छे से रीड मतलब कि एक बार क्लास में अपना बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रही है द गर्ल ब्लस्ड एकदम मतलब खुश होती है बहुत ज़्यादा, डू आई हैव डू टू, मैंने वो लड़की जो है यानी जो गर्ल है विजय लक्ष्मी कहती है मैम मैं भी यही चाहती हूँ, तो मैम कहती है यू डोंट हैव टू बट आई वुड लाइक टू यू टू, कह रही है कि तुम ये चाहो या ना चाहो लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि तुम ये ऐसे जो है वो अपनी क्लास के सामने रीड करो, ठीक है, रीड यानी कि पढ़ो। द गर्ल लुकड एट द टीचर अनसर्टेनली एंड सैड यस मैम एंड टुक द मैगजीन फ्रॉम हर हैंड, जो गर्ल है यानी विजय लक्ष्मी जो है वो अपने टीचर को देखती हैं और कहती हैं कि यस मैम मैं मतलब पढ़ने के लिए तैयार हूँ अपनी क्लास के सेक्शन में, और एंड आई एंड टुक द मैगजीन फ्रॉम हर हैंड, और जो टीचर के हाथ में जो मैगजीन होती है फ्रेंड माई फ्रेंड एंड आई वाली वो जो है उस मैगजीन को लेती हैं अपने टीचर के हाथ से, ठीक है, हैंड फ्रॉम हर हैंड यानी कि अपने टीचर के हाथ से। नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड आई शी रीड, अब ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने माई फ्रेंड एंड आई मतलब मेरी दोस्त और मैं, क्योंकि विजय लक्ष्मी है तो हम मेरा नहीं मेरी कहेंगे, लड़की की बात हो रही है तो वो कह रही है मेरी दोस्त और मैं, ये उनका टॉपिक का नेम है जो वो ऐसे अपने क्लास के सामने खड़े होकर पढ़ने वाली हैं, ठीक है। शी रीड, अब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है। बोथ माई फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर जो स्टोरी बता रहे हैं ना ये इनकी फ्रेंड पर बेस्ड है, जो इनकी फ्रेंड रियल में है नहीं, जिस पर सिर्फ उन्होंने एक मतलब उसको इमेजिन किया यानी सोचा है कि मेरी इस तरह से एक फ्रेंड हो सकती होगी यानी, ठीक है, या फिर है। बोथ माई फ्रेंड एंड इस चैप्टर में जो बताया गया उसमें विजय लक्ष्मी की कोई भी फ्रेंड नहीं है, सिर्फ उन्होंने इमेजिन करके इस स्टोरी को लिखा है। नेक्स्ट है बोथ माई फ्रेंड एंड आई आर फ्रॉम द साउथ, कह रहे हैं बोथ यानी मेरी फ्रेंड और मैं जो हूँ वो कहाँ से हूँ, साउथ से हैं हम दोनों। शी इज़ फ्रॉम, अभी अपना ऐसे सुना रही है अपनी क्लास के सामने खड़े होकर, ठीक है, टीचर के बराबर में। शी इज़ फ्रॉम वेल्लोरी एंड आई एम फ्रॉम चेन्नई, कह रही हैं वो वेल्लोरी से हैं और मैं चेन्नई से हूँ। एवरी वन हेयर कॉल्स अस ब्लैकी, कह रहे हैं कि हर कोई एवरी वन यानी हर कोई जो है कॉल्स अस यानी हमें जो अस यानी हमें कॉल्स यानी पुकारते हैं हेयर यानी कि यानी यहाँ पर हर कोई जो है यहाँ पर हमें क्या बुलाते हैं ब्लैकी, ब्लैकी मतलब वो ब्लैक है यानी कि
फेयर नहीं है उनका कलर, इसलिए उनको ब्लैक ही कहा जा रहा है। माई फ्रेंड डज़ नॉट माइंड, यानी कह रही है कि जो विजय लक्ष्मी जो है वो कह रही है मेरी जो फ्रेंड है वो उसका डज़ नॉट माइंड, यानी बिल्कुल बुरा नहीं मानती है कि हमें ब्लैक ही कहा जा रहा है, ठीक है। बट आई डू माई फ्रेंड्स इज, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मुझे ब्लैक ही क्यों, हम लोग को ब्लैक ही क्यों कह रहे हैं, मुझे और मेरी फ्रेंड को। माई फ्रेंड सेज़ सो वॉट इफ़ दे कॉल अस, मेरी फ्रेंड जो है वो कहती हैं सो व्हाट इफ़ दे कॉल अस। पेज नंबर 17 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 18 पर, कॉल अस ब्लैक ही, कह रही है क्या हुआ अगर हमें सब लोग ब्लैक ही कहते हैं। कौन कह रहा है? विजय लक्ष्मी कह रही है कि जो मेरी फ्रेंड है वो मुझे बार बार समझाती हैं कि अगर हमें ब्लैक ही, अगर मतलब क्या हुआ अगर हमें यहाँ के लोग जो हैं सभी लोग ब्लैक ही कहते हैं, ठीक है। तो देन कह रही है लेट देम, इट डज़ नॉट बॉदर मी, यानी कि इसका मेरे ऊपर कोई फ़र्ज नहीं पड़ता, इसको जाने दो, लेट देम यानी इसे जाने दो, कोई मतलब नहीं है कोई हमें क्या कहता है। डोंट यू नो ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, कह रही है क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानती। नो यानी नहीं जानती, डोंट यानी कि नहीं, यू यानी कि आप, यानी कि आप क्या तुम नहीं जानती, आप और यू, यू का मतलब आप तुम दोनों कह सकते हैं हम, ठीक। कह रहे हैं क्या तुम नहीं जानती ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, ब्लैक जो है वो एक खूबसूरत चीज़ है, यानी ब्लैक को एक खूबसूरती कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी हमें ब्लैक ही कहता है तो उसका नेवर माइंड, यानी कि कोई भी आप इस पर बुरा नहीं मानेंगी, ठीक है। तो ये जो है विजय लक्ष्मी बता रही है कि मेरी दोस्त जो है वो मुझे इस तरह से समझाती है, ये सिर्फ स्टोरी बता रही है, भी ऐसे रीड कर रही है अपना। When I look at her large sparkling eyes and her straight black hair falling softly on her shoulder, I feel yes she is beautiful. कह रही है कि जब मैं अपने फ्रेंड के लार्ज यानी लंबे स्पार्कलिंग यानी शाइन करती हुई आँखें चमकती हुई, हर स्ट्रेट यानी सीधे एकदम ब्लैक हेयर फॉलिंग सॉफ्टली ऑन हर शोल्डर, कंधे से उनके लंबे लंबे बाल जो किस कलर के हैं, ब्लैक कलर में प्रेजेंट हैं, स्ट्रेट हैं एकदम, वो उन्हें देखकर वो सोचती हैं आई फील यानी मैं महसूस करती हूँ यस हाँ शी इज़ ब्यूटीफुल, मेरी जो फ्रेंड है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। बट नॉट मी, लेकिन मैं नहीं हूँ, नॉट विद माई ऑफुल फ्रीजी हेयर, किसकी वजह से, मेरे जो फ्रीजी हेयर, यानी फ्रीजी हेयर कहते हैं कर्ली हेयर को। तो वो कह रही है कि मैं जो, मेरी जो फ्रेंड है उसके इतने अच्छे बाल हैं, इतने लंबे, इतने सॉफ्ट और स्ट्रेट बाल हैं, स्पार्कलिंग आइज यानी एकदम स्पार्क चमकती हुई चमकदार आँखें हैं, तो हाँ मेरी फ्रेंड जो है वो ब्यूटीफुल है लेकिन मैं नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि अपने कर्ली हेयर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेज वन हैज़, सॉरी यहाँ पर हैं हम, आई टेल हर ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल इज़ जस्ट अ स्लोगन, मैं अपने दोस्त को बताती हूँ कि ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल यानी ब्लैक जो है वो एक खूबसूरत चीज़ है, ये सिर्फ एक स्लोगन है, स्लोगन कहते हैं नारा को। ओके एग्री शी लाफ, कहती है उसकी जो विजय लक्ष्मी है वो कहती है मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ कि तुम जो मुझे ये बता रही हो ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, ये तो सिर्फ एक स्लोगन है यानी सिर्फ एक नारा है, तो जो नॉर्मली लोग लगाते हैं लेकिन इस पर कोई भी बिलीव नहीं करता है, ठीक है। जस्ट ओके एग्रीड शी लाफ, फिर कहती हैं उनकी जो विजय लक्ष्मी हैं, कहती हैं कि जब मैं ये चीज़ अपने फ्रेंड को बताती हूँ कि जो आप कह रही हैं कि ब्यूटीफुल ब्लैक इज़ अ ब्यूटीफुल ये सिर्फ एक नारा है, ये सुनकर विजय लक्ष्मी की जो फ्रेंड है वो बहुत एग्री यानी कहती हैं ओके एग्रीड यानी ठीक है मान गई मैं, शी लाफ और वो थोड़ा हंसती हैं, ठीक है। शी लाफ यानी कि वो हंसी, कौन, विजय लक्ष्मी की फ्रेंड, ये सभी स्टोरी बता रही है विजय लक्ष्मी यानी अपना ऐसे कंप्लीट कर रही है। बट हाउ डू यू लाइक दिस, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, आई लाइक, देखो ब्यूटी ऑफ लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर का क्या मीनिंग है, द आइडिया ऑफ वॉट इज ब्यूटीफुल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कह रही है कि आई लाइक इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक अ पोएम, कह रही है कि ये जो लाइन है ये मुझे एक पोएम की तरह लगती है, जिसकी लाइन जो है मुझे बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट साउंड आई लाइक इट यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वंडर वेयर शी रीड्स ऑल दिस, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द बुक्स आई हैव रीड, माई फ्रेंड सेज वन हैज़ टू बी बोल्ड शी इज़ बट आई एम नॉट, कह रही है कि मेरी जो फ्रेंड है वो कहती है कि वन हैज़ टू बी बोल्ड यानी शायद ही कोई बोल्ड हो सकता है लेकिन मैं नहीं, शी कैन वॉक ओवर a group of children and say hi I am Indra and this is Vijay Lakshmi, everyone calls us blacky, कह रही है कि वो अपने मतलब ग्रुप में चल रही हैं अपने चिल्ड्रन के साथ और वो कह रही हैं hi I am Indra, मैं इंदिरा हूँ, उनकी जो फ्रेंड है and this is विजय लक्ष्मी और ये विजय लक्ष्मी है। तो विजय लक्ष्मी जो है वो अपनी फ्रेंड के बारे में अब क्लियर कर रही हैं कि मेरी फ्रेंड कहती है जब हम लोग एक साथ चल रहे होते हैं मेरी फ्रेंड ने कहा कि देखो ये मैं इंदिरा हूँ और ये मेरी फ्रेंड विजय लक्ष्मी है, एवरी वन कॉल्स अस ब्लैकी, सभी लोग हमें यहाँ पर ब्लैकी कहते हैं, यू कैन कॉल अस ब्लैकी टू यानी कि तुम लोग भी मुझे ब्लैकी कह सकते हो। तो विजय लक्ष्मी जो है ये बता रही है कि मेरी फ्रेंड ने ऐसे ऐसे वहाँ के लोगों से कहा था, ठीक है।
इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें चाहते हो तो तुम लोग भी मुझे ब्लैकी कह सकते हो, अदरवाइज इन दी एंड विजी विल बी फाइन, अगर तुम लोग नहीं चाहते अदरवाइज, वरना फिर तुम लोग यानी कि इंदिरा का इंदी और विजय लक्ष्मी का विजी हम लोग को कह सकते हो, ठीक है। अरे आई विश आई कुड डू दैट बट आई कांट, आई हैव ट्राइड बट आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू से द फर्स्ट हेलो, कैरी विद हर आई कैन डू मैनी थिंग्स, आई रन एंड विन रेसेस, कह रही हैं विद हर इसके साथ साथ, आई कैन डू मैनी थिंग्स, कह रहे हैं मैं अपनी फ्रेंड के साथ साथ बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ, आई रन एंड विद रेसेस, देखिए विद हर यानी कि हर अपनी फ्रेंड के साथ बता रही हैं वो कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ सब बहुत सी चीज़ें कर सकती हूँ, आई कैन डू मैनी थिंग्स यानी कि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकती हूँ, वो क्या क्या हैं, आई रन एंड विद रेस, मैं दौड़ती हूँ, एंड विन रेस यानी कि और फिर जीतती भी हूँ, आई कुक एंड मेक टेस्टी स्नैक्स, कह रही है मैं पकाती हूँ क्या, टेस्टी स्नैक्स बनाना आते हैं मुझसे, आई जंप इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल, कह रही है पूल की एकदम डीप यानी गहराई में मैं जंप भी कर सकती हूँ, ये कब कब बता रही हैं, जब वो अपने फ्रेंड के साथ होती हैं, ठीक है। कह रही आई क्लाइम द टॉलेस्ट ट्री, क्लाइम कहते हैं चढ़ने को, क्लिम्ब यानी कि मैं अपने लंबे, टॉलेस्ट यानी लंबा, ट्री यानी कि पेड़, मैं लंबे लंबे पेड़ों पर भी चढ़ सकती हूँ जब जब मेरी फ्रेंड मेरे साथ होती हैं, बट वेन द आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट इज़ द नेक्स्ट डे अलोन, लेकिन मैंने देखा मेरी फ्रेंड जो है मतलब नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल अकेली थी, इट लुक्स डेंजरसली हाई, कह रहे हैं कि वो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो रहा था, हाई लग रहा था मुझे, आई वंडर हाउ आई एवर मैनेज टू क्लाइंब इट, यानी ये कह रही हैं कि जब जब मैं अपने फ्रेंड के साथ हुआ करती थी तो मुझे हर काम बहुत अपना ईजी लगता था, मैं बहुत से काम करा करती थी, यानी कि खाना भी बनाना आता था मुझसे, ठीक है, टेस्टी स्नैक्स बना लेती थी, और लंबे लंबे हम लोग स्विमिंग भी का मतलब पोल में जंप भी लगा लेते थे, ठीक है। कब कब बता रही हैं, जब जब ये अपने फ्रेंड के साथ हुआ करती थी, ठीक है। फिर कह रही है कि और हम लोग पेड़ पर भी आसानी से चढ़ जाया करते थे अपने फ्रेंड के, मतलब कि उनका ये कहने का मतलब है जब जब मेरी दोस्त मेरे साथ होती थी तो मुझे कोई भी काम करने में देरी नहीं लगती थी, ठीक है। मुझे यानी कि उनका कहने का क्या डायरेक्टली कहना चाह रही हूँ, डायरेक्टली कि मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह, ठीक। कह रही है नेक्स्ट डे जब उनकी फ्रेंड उनके साथ नहीं थी उन्होंने क्या सोचा, उन्हें क्या फील हो रहा था कि अब मैं इस इतने लंबे पेड़ पर किस तरह से कैसे यानी कि क्लाइम यानी कि चढ़ सकूँगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रही है माई फ्रेंड सेज दैट्स वाई वॉट फ्रेंडशिप इज़ अबाउट, कह रही है मेरी फ्रेंड जो है वो कहने लगी कि यही जो है यही हमारी फ्रेंडशिप है, इज़ अबाउट डूइंग थिंग टुगेदर यानी कि जो भी हम साथ में कर रहे हैं, दैट्स वॉट फ्रेंडशिप डज टू यू, इट गिव यू स्ट्रेंथ टू बी वॉट यू वॉन्ट एंड अ लिटिल मोर टू, कह रहे हैं कि तुम्हें दोस्ती से यानी फ्रेंडशिप से क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है यानी ताकत मिलती है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है और थोड़ा हौसला मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम वॉट यू वॉन्ट एंड अ लिटिल मोर टू, जिसकी वजह से जो भी तुम चाहते हो या फिर जो उसके अलावा और भी जो चीज़ें चाहते हो वो सभी चीज़ें अपनी फ्रेंड की मौजूदगी में कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मिल सकती है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पेज नंबर 18 पर ही हम कंटिन्यू हैं अभी, आई वंडर वॉट अवर फ्रेंडशिप मीन्स टू हर, वेदर शी फील्स अबाउट मी आई फील अबाउट हर, कह रही है अब मुझे पता चला कि फ्रेंडशिप जो है वो क्या होती यानी मीन टू हर यानी कि उसका क्या मतलब है, वॉट एवर शी फील अबाउट मी एंड आई फील अबाउट हर, कह रही है कि जो भी है मैं उसके बारे में फील कर सकती हूँ कि वो मेरे बारे और वो मेरे बारे में फील कर सकती है, ठीक है। यही चीज़ें क्या हैं, एक फ्रेंडशिप है यानी कि एक अच्छी दोस्ती की पहचान है। नेक्स्ट है दैट समथिंग आई हैव नेवर आस्ड हर एंड आई थिंक आई नेवर विल, कह रही है कि दैट समथिंग आई नेवर आस्ड हर, कह रही है कि एंड आई थिंक आई नेवर विल, कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी फ्रेंड से कोई भी चीज़ शेयर ना करूँ और वो मुझे अपनी कोई भी चीज़ें शेयर ना करें, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 18 पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पेज नंबर 19 पर आते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखिए, द गर्ल क्लोज्ड द मैगजीन एंड गेव इट बैक टू हर टीचर, अब उन्होंने क्या कहा, उनकी मैगजीन उन्होंने क्लोज करी है यानी कि उनका जो ऐसे था वो कंप्लीट हो चुका है, अब वो मैगजीन क्लोज कर रही हैं और टीचर को दिया उन्होंने, बैक टू हर यानी कि टीचर को वापस कर दिया है। नेक्स्ट है हु सेड दीज आर ब्यूटिफुल लाइन्स ऑन फ्रेंडशिप विजय लक्ष्मी, आई एम ग्लैड यू, तो विजय लक्ष्मी से जो टीचर हैं वो विजय लक्ष्मी की जो टीचर हैं वो उनसे कह रही, जिन्होंने उनको स्टार्टिंग में ही कॉल किया था उनसे, उनको बुलाया था किस लिए, ताकि वो ये कहना चाहती थी कि उनकी जो स्टूडेंट है यानी विजय लक्ष्मी जो है वो इस ऐसे को क्लास के सामने खड़े होकर एक बार रीड करें, ठीक है।
तो विजय लक्ष्मी से टीचर कह रही है कि बेटा आई एम ग्लैड यू हैव सच अ गुड फ्रेंड, डू यू नो हर, इज शी इन अवर क्लास, कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ यू हैव सच अ गुड फ्रेंड कि तुम्हारे पास एक इतनी अच्छी एक दोस्त है। डू वी नो हर, कह रही है क्या तुम उसे जानती हो, वी नो हर, वी यानी कि क्या हम उन्हें जानते हैं तुम्हारी फ्रेंड को जिसके बारे में तुमने इस चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक में बताया है, क्या हम उस फ्रेंड को जानते हैं। इज शी इन अवर क्लास, क्या वो हमारी क्लास की है, कौन कह रहा है, टीचर कह रही है किससे, विजय लक्ष्मी से। नेक्स्ट है द गर्ल ड्रॉप्ड हर हेड एंड शोक इट स्लाइटली, कह रही गर्ल जो है वो अपना सर नीचे करती हैं और शोक इट स्लाइटली वो एकदम हैरान होती हैं। इन अवर स्कूल मे बी, वो जो है कह रही है कि इन अवर स्कूल मे बी, हो सकता है वो हमारे स्कूल की हो। द गर्ल डिड नॉट आंसर, टीचर जो हैं वो कह रही है कि इन अवर स्कूल में भी, हो सकता है वो हमारे स्कूल की कोई आपकी फ्रेंड हो जिसके बारे में आपने चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक में इस ऐसे में क्लियर किया है यानी कि डिस्क्राइब यानी कि बताया है। ठीक है, तो जो गर्ल है वो कह रही है द गर्ल डिड नॉट आंसर, लेकिन जो विजय लक्ष्मी है यानी जो लड़की है उसने कोई भी आंसर, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। डिड नॉट यानी कि नहीं दिया है। डज शी लिव इन योर कॉलोनी, क्या वो तुम्हारी कॉलोनी में रहती है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो टीचर कर रही है विजय लक्ष्मी से, क्या वो तुम्हारी कॉलोनी में रहती है। द गर्ल स्टार्ट डाउन एट हर ब्लैक शूज साइलेंटली, गर्ल जो है वो मतलब घूमती हैं वहाँ से और वापस अपनी जगह पर आना स्टार्ट कर देती हैं। देन रेजिंग हर आइज, और अपनी आँखें ऊपर करी उन्होंने, विजय लक्ष्मी सैड ब्रेवली, विजय लक्ष्मी यानी अपने स्लाइटली यानी साइलेंटली यानी बहुत खामोशी से अपना जो शूज़ है वो एकदम घुमाया उन्होंने और अपनी आँखों को पहले यहाँ पर डाउन ड्रॉप यानी कि सर झुका दिया था उन्होंने, कब, जब उन्होंने ये सुना कि उनकी टीचर जो हैं वो उनसे उनके फ्रेंड के बारे में पूछ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रही हैं कि नेक्स्ट जब उन्होंने ये सारी चीज़ें पूछी हैं, क्या वो हमारे स्कूल की हैं, क्या वो हमारे क्लास की हैं, क्या वो तुम्हारे कॉलोनी की, तो ये सभी चीज़ों का जवाब जो है विजय लक्ष्मी ने बिल्कुल नहीं दिया किसी भी टीचर के क्वेश्चंस का। क्यों? क्योंकि टीचर, अब हम आगे देखते हैं ऐसा क्या था जो विजय लक्ष्मी जो हैं इसका जवाब नहीं दे रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देन रेजिंग हर आइज, फिर एकदम से उन्होंने अपनी आंखें ऊपर करी, विजय लक्ष्मी सैड ब्रेवली, ब्रेवली यानी बहादुरी, विजय लक्ष्मी ने सैड यानी कि कहा बहादुरी से एकदम, नो शी डज नॉट स्टे इन माई कॉलोनी, नहीं वो मेरी कॉलोनी में भी नहीं है। आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई भी एक फ्रेंड नहीं है। कौन कह रहा है ये, कह रही है विजय लक्ष्मी कह रही है टीचर से, टीचर के इतने क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है हश फेल ओवर द क्लासरूम, नो वन मूव्ड, 40 पेयर्स ऑफ आइज लुक्ड एट अ गर्ल स्टैंडिंग नियर द टीचर्स डेस्क हेडबैंड, तो जितने भी 40 पेयर्स ऑफ आइज यानी कि 40 पेयर्स जो हैं वो यानी जो बच्चों की जो आंखें हैं वो सभी जो है नो वन मूव्ड यानी किसी के निगाहें वहां से नहीं हटी हैं, कहां से, उस लड़की, वो जो लड़की है विजय लक्ष्मी उसके ऊपर से, ये सोचकर जो कहां पर खड़ी है, नियर यानी पास में, स्टैंडिंग गर्ल स्टैंडिंग नियर द टीचर्स डेस्क हेडबैंड यानी जो सर झुकाए टीचर के डेस्क के सामने यानी कि नियर सामने नहीं नियर यानी कि पास में खड़ी है, वो कौन है, विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी का ये कहना था कि मेरी कोई भी नहीं, ये जो मेरी फ्रेंड है मैंने जो स्टोरी में बताया है वो मेरी कॉलोनी में भी नहीं है और ना ही वो और क्या बताया उन्होंने कि मेरी कोई इवन मेरी कोई फ्रेंड मेरी लाइफ में एक भी कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो ये सभी बातें यानी ये बात सुनकर विजय लक्ष्मी की जो स्टूडेंट्स थे क्लास के वो सभी लोग यानी पेयर्स पेयर्स यानी एक पेयर्स प्रेजेंट होता है हमारी आई का यानी जिसमें टू होते हैं पेयर मतलब टू। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सभी की जो आंखें हैं एकदम सभी के जो पेयर्स ऑफ आइज है वो सभी की निगाहें उस लड़की से विजय लक्ष्मी की बातें सुनकर उस विजय लक्ष्मी जो टीचर के नियर यानी कि पास में स्टैंड है यानी कि खड़ी हैं ये सुनकर विजय लक्ष्मी सभी की निगाहें उस विजय लक्ष्मी के ऊपर से नहीं हटती हैं। ठीक है, जो सर झुकाए अपने टीचर के पास में खड़ी हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ द अनकम्फर्टेबल साइलेंस रैंग अ चीयरफुल वॉइस, यस यू डू, एकदम से क्या हुआ एकदम साइलेंस यानी बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही है क्लास में, चीयरफुल वॉइस यस यू डू, एकदम से क्या आवाज़ आई, चीयरफुल यानी कि कहते हैं हम ना चीयरफुल करी यानी कि जैसे रेस होती है तो हम कहते हैं कि यस यू कैन डू इट, तो वही कह रहे हैं यस यू डू यानी कि हाँ तुम ये कर सकती हो। अ गर्ल रोज, एक लड़की है रोज एंड वॉकड डाउन द एजली एजली टू द टीचर, एजली का मीनिंग यहाँ पर क्या गिवन है, हेयर पास बिटवीन रोज ऑफ डेस्क यानी कि रो और जो डेस्क होती है उसके बीच में से पास होकर वो कहती है लड़की टू द टीचर्स डेस्क टीचर्स डेस्क तक, इट वॉज निमी खन्ना, वो कौन है, निमी खन्ना है द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास, जो गर्ल की क्लास की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल है यानी कि फेमस लड़की है, तो वो जो निमी है वो टीचर के डेस्क पर आकर कहती हैं अपनी बेंच को वहाँ से हट बीच में से निकलते हुए टीचर के डेस्क पर आकर कहती हैं जिनका क्या नाम है निमी खन्ना, यानी जो क्लास की बहुत ज़्यादा पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर यानी फेमस गर्ल हैं
शी हेल्ड आउट हर हैंड, वो अपन उसका हाथ हेल्ड यानी पकड़ती हैं एंड सेड वार्मली, और वो क्या कहती हैं विजयलक्ष्मी का, यानी कि जो निम्मी खन्ना है वो विजयलक्ष्मी का हैंड पकड़ कर और क्या कहती हैं, यस यू डू विजी मी, यानी कि यस यू डू यानी कि तुम कर सकती हो विजी मी, यानी कि ये मेरा कहना है कि तुम ये चीज़ कर सकती हो, यानी कि तुम्हारी भी एक अच्छी गुड फ्रेंड अब तुम्हारी लाइफ में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हर पेजेस पर यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग गिवन है, जो ब्लू कलर से आपके चैप्टर में टिक हाइलाइट है तो उसको आप लोगों को बुक से ही लर्न करना है, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 17 से लेकर पेज नंबर, देखिए 17 पर थ्री वर्ड्स मीनिंग गिवन थी, पेज नंबर 18 19 के हाफ पेज तक हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। पेज नंबर 17 पर थ्री वर्ड्स मीनिंग थी, देन 18 पर भी देखिए यहाँ 1 और 1 टू वर्ड्स मीनिंग यहाँ पर गिवन है। देखिए 18 पेज नंबर पर 2 हैं तो 3 और 2 प्लस 5, और पेज नंबर 19 पर 1 गिवन है प्लस 1, तो ये कितना हो गया 6, यानी 6 वर्ड्स मीनिंग जो है ये आप लोग को बुक से ही लर्न करनी है, कॉपी से लर्न नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग की एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है द गर्ल स्टेयर्ड डाउन एट हर ब्लैक शूज, कह रहे हैं जो लड़की है उसने अपने ब्लैक शूज़ को उतारा है, ब्लैक शूज़ को स्ट्रेट डाउन यानी कि एकदम से हल्का सा घुमाया, साइलेंटली स्लाइटली टाइटली या नन ऑफ दिस। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, द गर्ल स्ट्रेट डाउन एट हर ब्लैक शूज़, साइलेंटली या फिर स्लाइटली या फिर टाइटली या फिर क्या है नन ऑफ दिस, तो हमारा यहाँ पर क्या है स्लाइटली। तो हम यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, स्लाइटली। तो यहाँ पर चेक करिए मैंने फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है, सॉरी साइलेंटली, साइलेंटली हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर गिवन है। देखिए नेक्स्ट हम सेकंड पर आते हैं, सेकंड है इसमें देखिए पेज नंबर हम लोग यहाँ पर 19 कवर कर चुके हैं, पेज नंबर 19 के बाद यहाँ पेज नंबर 20 पर आइए और हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, अ गर्ल रोज एंड वॉक डाउन द एजल्स टू द टीचर, गर्ल जो है वो कहाँ से निकल कर आई थी, चेयर डेस्क टेबल या बुक, डेस्क में से। ठीक है, तो टू का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी पर यहाँ टिक नहीं करेंगे, ये जो आपको सर्किल स्क्वायर दिया है यहाँ पर आप सभी को टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट थ्री है, माई फ्रेंड सेज वन हैज़ टू बी, कह रही है मेरी फ्रेंड ने कहा वन हैज़ टू बी डैश गोल्ड, सॉरी कोल्ड साउंड बोल्ड या क्लोज। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने पढ़ा था पेज नंबर 18 पर चेक करिए, माई फ्रेंड सेज वन हैज़ टू बी बोल्ड, यानी कि मेरी फ्रेंड ने कहा कोई भी बोल्ड हो सकता है लेकिन शी इज़ बट आई एम नॉट, लेकिन मैं बोल्ड जो हूँ नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा बोल्ड, तो बोल्ड हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट कर लिए, पेज नंबर 20 पर हैं अभी हम, पेज नंबर 20। पेज नंबर देखिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करती रहती हूँ ताकि आप लोग इधर कहीं दर दर मिस ना हो। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया थ्री का ऑप्शन नंबर सी बोल्ड। तो फर्स्ट में मैंने क्या टिक किया है, फर्स्ट में एक बार सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, पेज नंबर 19 पर था फर्स्ट का है हमारा ऑप्शन ए साइलेंटली, देन पेज नंबर 20 पर आइए, पेज नंबर 20 पर हमारा सेकंड है ऑप्शन बी डेस्क, देन सेम पेज नंबर पर ही हमारा थ्री है, थ्री का ऑप्शन है सी बोल्ड। ठीक है, अब हम लोग फिलिंदा ब्लैंक्स पर आते हैं, तो फिलिंदा ब्लैंक्स में फर्स्ट बी देखिए, फर्स्ट है हमारा बी क्वेश्चन है फिलिंदा ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ये आपको कुछ वर्ड्स गिवन है इसकी हेल्प से ये ब्लैंक्स जो है उसको फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट है एवरीवन हियर्स कॉल अस डैश, कह रहे हर कोई जो है वो यहाँ पर हमें क्या पुकारते हैं, क्या बुलाते हैं, ब्लैकी बुलाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग जब चैप्टर को एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 18 पर चेक करिए, पेज नंबर 18 पर यहाँ पर है एवरीवन कॉल्स अस ब्लैकी, तो ब्लैकी को, ब्लैकी क्या है फर्स्ट का हमारा फिलिंदा ब्लैंक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, आई जंप इनटू द डीप एंड ऑफ द डैश, कह रही है मैं जंप कर सकती हूँ एंड ऑफ किसके एंड तक, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 18 पर देखिए यहाँ है आई जंप इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, ठीक है यानी कि पूल में मैं जंप कर सकती हूँ, कब कब जब मेरी फ्रेंड मेरे साथ हुआ करती हैं। थर्ड है द डैश स्टेयर डाउन एट हर ब्लैक शू साइलेंट, ये भी हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी किया था, देखिए गर्ल, ठीक है लड़की थी वो जो टीचर के सामने खड़ी थी जो एकदम साइलेंट हो गई थी यानी खामोश हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा थ्री में गर्ल, फोर भी कर लेते हैं, देखिए फोर में हमारा क्या है, फोर है आहश फेल ओवर द डैश, ये कहाँ हमारा
देखिए यहाँ पर पेज नंबर 19 पर चेक करिए, यहाँ पर है हश फेल ओवर द क्या था क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम जो थी वो एकदम क्या हो गई थी, खामोश हो गई थी। ये सभी बातें विजयलक्ष्मी की सुनकर कि विजयलक्ष्मी ने इतना अच्छा ऐसे बताया है, लेकिन विजयलक्ष्मी की कोई भी फ्रेंड रियल लाइफ में नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 20 पर है ये। तो क्लासरूम पर हम क्या डाल लेते हैं, 4। जैसे कि देखिए ब्लैकी हमारा फर्स्ट का आंसर था, तो मैंने फर्स्ट पर ब्लैकी पर फर्स्ट डाला है। सेकंड का आंसर था हमारा पोल, तो मैंने पोल पर सेकंड 2 डाला है। ठीक है, 1 2। थर्ड का हमारा आंसर था गर्ल, तो मैंने गर्ल पर 3 डाला है। फोर्थ का आंसर है हमारा क्लासरूम, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, क्लासरूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम सभी लोग किस में करते हैं, कॉपी में। देखिए क्वेश्चन 1 हमें कंप्लीट करना है, 2 को यहाँ बुक में कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कॉपी ओपन करिए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के लिए। मैंने यहाँ पर बताया था सभी को नेम शो करना था अपना, अभी भी मैं बता रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिसने अपनी कॉपी पर यहाँ पर नेम शो नहीं किया था, तो प्लीज़ अपनी कॉपी पर नेम शो कर लिए, वरना कॉपीज मिस हो जाने पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, यहाँ नेम शो करिए, क्लास सेक्शन रोल नंबर कुछ नहीं लिखना है, इंग्लिश सब्जेक्ट। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कॉपी में करे होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन थे जो, पार्ट नंबर 2 में हमने लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करे थे 2। पार्ट नंबर 3 में हम लोग ने लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करे थे 9 तक। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ कैंसिल भी करे थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी वीडियो आपको अपलोड होती है ग्रुप में पहुँचती है, यहाँ पर डेट शो करनी है, वो वाली डेट शो करनी है, उसी दिन में आपको उसी डेट में वर्क कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, यहाँ पार्ट नंबर 4 नोट करेंगे, शो करेंगे। डेट डालने के बाद पार्ट नंबर 4, देन लेसन नंबर 4, लेसन नेम क्या है हम लोग का, माई फ्रेंड एंड आई। ये लिखने के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो आपको डी ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है, ये हेडिंग डालनी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्लैक कलर से यहाँ पर मैंने उसको डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद, देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन नोट नहीं करें, आप लोगों को क्वेश्चन खुद से नोट करने। देखिए इस तरह से वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पर रोकेंगे यूट्यूब पर, और इसको इजीली वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, देन वीडियो को ऑन करने के बाद, फिर स्टार्ट करने के बाद, फिर यहाँ पर पॉज करेंगे और ये वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर। वाई डिड विजयलक्ष्मी थिंक हर हेयर वॉज ऑफुल, कह रहे विजयलक्ष्मी जो है वो क्यों सोचती थी कि उनके जो हेयर हैं वो ऑफुल है, ऑफुल यानी कि कर्ली को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिएगा यहाँ से, वाई डिड विजयलक्ष्मी थिंक हर हेयर वॉज ऑफुल। ठीक है, ये नोट करने के बाद फिर आंसर नंबर 1 लिखेंगे हम, विजयलक्ष्मी थिंक हर हेयर वॉज ऑफुल बिकॉज, विजयलक्ष्मी जो है थिंक यानी सोचती थी, हर हेयर यानी कि उनके बाल जो हैं वो ऑफुल है, बिकॉज यानी क्योंकि, हर हेयर वॉज नॉट ब्लैक एंड सॉफ्ट, क्योंकि उनके जो हेयर थे वो ब्लैक और सॉफ्ट नहीं थे, है ना। ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि विजयलक्ष्मी जो हैं उनके जो हेयर थे वो उनके ब्लैक और सॉफ्ट जो हैं वो नहीं थे, इसलिए वो क्या सोचती थी उनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफुल हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता दिया है कैंसिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक विजयलक्ष्मी वांट्स टू बी, कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का पर्सन जो है विजयलक्ष्मी जो है वो इंसान किस तरह का इंसान बनना चाहती थी। तो हमने अभी इस चैप्टर में फ्रेंडशिप के ही बारे में पढ़ा, यानी कि वो एक अच्छा दोस्त बनना चाहती थी, और वो ये भी चाहती थी कि उनके पास एक अच्छा दोस्त हो। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 जहाँ पर आप लोग कंप्लीट करेंगे वहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 ना डालकर क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ से नोट करिएगा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक विजयलक्ष्मी वॉन्ट्स टू बी, यानी कि आपको क्या लगता है किस तरह का इंसान जो है विजयलक्ष्मी बनना, वॉन्ट्स टू बी यानी कि वॉन्ट्स यानी कि चाहती थी, टू बी यानी कि बनना। ठीक है, तो मैंने आंसर देखिए क्वेश्चन नोट कर लेंगे जब बुक से, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिखेंगे, फिर आंसर 1 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन पहले नोट करेंगे सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देन आंसर 3, कोई क्वेश्चन 2 ही नोट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ का, आंसर 3 क्या हो जाएगा, विजयलक्ष्मी वॉन्ट्स टू बी अ गुड फ्रेंड, विजयलक्ष्मी क्या चाहती थी, एक अच्छा दोस्त बनना। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम चेक करते हैं, इन विच क्लास डिड विजयलक्ष्मी स्टडी, यानी कि विजयलक्ष्मी जो थी वो किस क्लास में स्टडी, व्हाई डिड द टीचर कॉल्ड हर, कह रही विजयलक्ष्मी जो थी वो किस क्लास में स्टडी करती थी यानी पढ़ती थी, व्हाई डिड द टीचर कॉल हर, और टीचर ने उन्हें कॉल यानी कि क्यों बुलाया
था, ठीक है, क्यों आवाज़ दी थी। तो क्वेश्चन आंसर नंबर जहाँ थ्री आपका कंप्लीट होगा वहाँ क्वेश्चन नंबर फोर नोट करिएगा, ठीक है, यहाँ बुक से देखकर। इन विच क्लास डिड विजय लक्ष्मी स्टडी, वाई डिड द टीचर कॉल हर, ठीक है, यहाँ कंप्लीट करने के बाद आंसर फोर फिर लिखेंगे। विजय लक्ष्मी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स बी, कह रहे हैं विजय लक्ष्मी जो है वो एक स्टूडेंट थी क्लास सिक्स बी की। हमसे पूछा गया है पहले कि विजय लक्ष्मी कौन किस क्लास में पढ़ती थी, है ना, इन विच क्लास डिड द विजय लक्ष्मी स्टडी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विजय लक्ष्मी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स बी, वॉज यानी कि थी, वो यानी कि ए, विजय लक्ष्मी कौन है इस चैप्टर में जो लड़की है जो स्टोरी जिन पर बेस्ड है, ठीक है, तो कह रहे हैं विजय लक्ष्मी ने कहा, सॉरी विजय लक्ष्मी जो है वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स भी, यानी विजय लक्ष्मी क्लास सिक्स की स्टूडेंट थी। द टीचर कॉल हर एंड सेड, टीचर ने उन्हें बुलाया और एंड सेड और कहा, योर एसे इज टाइटल्ड, तुम्हारा जो एसे है वो किस पर टाइटल्ड है, माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड मेरा फ्रेंड और मेरा और दोस्त, यानी कि मेरा फ्रेंड और दोस्त। हमसे पूछा गया है ना यहाँ पर कि टीचर ने उन्हें क्यों बुलाया था, वाई डिड द टीचर कॉल हर, तो हम इनकी क्लास बताने के बाद हमने यहीं से ज्वाइन किया क्वेश्चन आंसर। द टीचर कॉल हर एंड सेड, टीचर ने ये मैंने क्वेश्चन में से लिखा है, द टीचर कॉल हर एंड सेड, टीचर ने बुलाया, हर यानी कि विजय लक्ष्मी के लिए यूज़ किया गया, हर लड़की के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, एंड सेड और कहा, योर एसे इज टाइटल्ड, तुम्हारा आपका जो एसे है, मैंने योर का मीनिंग क्या बताया है, आप या फिर तुम, ठीक है, आपका जो एसे है वो इस पर टाइटल्ड है, इज यानी कि है, क्या है वो, माई फ्रेंड एंड आई, मेरा फ्रेंड और मैं, आई थिंक यू शुड रीड इट अलाउड टू द क्लास, मुझे लगता है कि आपको ये हमें लगता है कि आपको ये ऐसे जो है यानी ये जो टॉपिक है आपका टाइटल जिस पर है, टाइटल क्या है, माई फ्रेंड एंड आई, ये आपको अपनी क्लास में क्लास के सामने खड़े होकर रीड करना चाहिए, यानी कि एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया, आंसर नंबर फोर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि पीए फर्स्ट में ये देखिए ये जो ग्रामेटिकली के इसमें एक्सरसाइजेस है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, पेज नंबर 20 पर। यहाँ पर हम लोगों का पार्ट नंबर फोर में लेसन नंबर फोर कंप्लीट हो गया, तो लेसन नंबर फोर में सॉरी पार्ट नंबर फोर में हम एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पार्ट नंबर फोर में सबसे पहले पेज नंबर आ जाइए पेज नंबर सेवन पर, सॉरी पेज नंबर 17 पर देखिए हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर फोर पार्ट नंबर फोर मैंने यहाँ बताया था सभी को डालने के लिए और यहाँ पर डेट भी शो कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, माय फ्रेंड एंड आई। तो पार्ट नंबर फोर में हमने स्टार्टिंग करी थी चैप्टर डेट पार्ट नंबर फोर में लेसन नंबर फोर स्टार्ट किया था, उसमें हमने कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन किया है पेज नंबर 17, पेज नंबर नेक्स्ट है 18 और पेज नंबर 19 के हाफ तक, ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 19। फिर मैंने वर्ड्स मीनिंग बताई थी, वर्ड्स मीनिंग आपको देखिए तीनों पेजेस पर गिवन है, जो भी चैप्टर में ब्लू कलर से हाईलाइट है वर्ड वो हमारे क्या है वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स यहाँ पर हमें सभी पेजेस पर गिवन है, ठीक है, जैसे फर्स्ट जैसे कि फर्स्ट में है कैंडी स्टिप्ड फ्लिकरिंग विस्प ऑफ हेयर, तो ये तीनों मीनिंग आपको यहाँ पर गिवन है, कैंडी स्टिप्ड विस्प ऑफ हेयर फ्लिकरिंग, तो देखिए विस्प ऑफ हेयर का मीनिंग ये भी हो सकता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल स्ट्रेट हेयर यानी कि छोटे सीधे बाल। नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर 18 पर भी आपको टू वर्ड्स मीनिंग गिवन है, देखिए कौन कौन सी, वो यहाँ पर फ्रीजी है और ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर, तो फ्रीजी का टाइटली कर्ल्ड यानी कि बहुत टाइटली एकदम कर्ल्ड हो सख्ती से, फिर ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर, तो ये इस तरह की वर्ड मीनिंग्स आपको चैप्टर से ही लर्न करनी है, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इस पेज पर भी आपको मीनिंग वर्ड मीनिंग बताई थी सिर्फ एक हमें यहाँ पर इस चैप्टर में देखिए ब्लू कलर से जो गिविन है सिर्फ हमें एक वर्ड गिविन था वो कौन सा था ये वाला था इजली, ठीक है, जिसका क्या मीनिंग था हेयर पैसेज बिटवीन रोज एंड डेस्क, यानी कि रोज और डेस्क के बीच की जो पैसेज यानी कि जो जगह है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इजली, जहाँ से वो जो निम्मी खन्ना थी वो वहाँ से निकलकर कहाँ गई थी विजय लक्ष्मी के पास गई थी उनसे क्या कहने के लिए कि विजय लक्ष्मी यू कैन डू इट, विजय लक्ष्मी का निक नेम बता रही है विजी यू कैन डू इट यानी कि तुम ये कर सकती हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने वर्ड्स मीनिंग बताई थी पार्ट नंबर फोर में ही, देन पार्ट नंबर फोर में फिर हम लोगों ने यहाँ पर भी एक्सरसाइज जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी पार्ट नंबर फोर सभी डाल लीजिएगा और डेट भी शो करनी है सभी को, ठीक है। पार्ट नंबर फिर मैंने क्या बताया था एक्सरसाइजेस करवाई थी हमने, टिक द करेक्ट ऑप्शन थे ए, फिर नेक्स्ट आइए पेज नंबर 20 पर हम लोगों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन, देखिए पेज नंबर 20 है यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट करे थे, 2, 3, 1 जो था वो हमारा पेज नंबर 19 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन था, 2, 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवाई थी कंप्लीट आपको सेम पेज नंबर 20 पर, फिर मैंने सी पार्ट इसका कैंसिल करवा दिया है, डी पार्ट में मैंने 4 क्वेश्चन हैं इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 2 को कैंसिल करना है, बुक में कैंसिल ज़रूर कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, ताकि हम लोग को याद रहे, और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है वो हमें आंसर दिया है हमने कॉपी में, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमने उसका आंसर कॉपी में दिया है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का पार्ट नंबर 4, यानी कि पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें आज पढ़ी हैं वो हमारा सभी क्या था, पार्ट नंबर 4। PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए, ठीक है। थैंक यू।